आप सभी प्यारे दोस्तों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। मैं आशा और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, निरंतर अपनी तैयारी के अंदर व्यस्त होंगे। आज उद्योग से संबंधित चौथी क्लास है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, राजस्थान से निर्यात होने वाली शीर्ष पांच वस्तुओं का हिस्सा राज्य से वर्ष 2019-20 में होने वाले कुल निर्यातकों में से 50% से अधिक है। इन पांच शीर्ष निर्यातक मदों में से निम्नलिखित कौन सी मद शामिल नहीं है? इंजीनियरिंग वस्तुएं, कपड़ा, रत्न और आभूषण, मार्बल व ग्रेनाइट। इसका राइट आंसर होगा चार नंबर का। लेकिन हम वर्तमान की दृष्टि से देखेंगे कि वर्तमान में आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार राजस्थान से होने वाली सर्वाधिक निर्यातक वस्तुएं कौन सी है, दूसरा नंबर कौन सी है, यानी कि टॉप पांच नंबर तक निर्यात होने वाली कौन कौन सी वस्तु है, इनका अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो राजस्थान में सर्वाधिक निर्यात होने वाली वस्तुएं इंजीनियरिंग वस्तुएं, जिसे बोलते हैं अभियांत्रिकी वस्तुएं, दूसरे नंबर रत्न व आभूषण सर्वाधिक निर्यात होते हैं, और तीसरे नंबर कपड़ा निर्यात होते हैं, और चौथे नंबर धातु, और पांच नंबर हस्त शिल्प वस्तुएं। ये पांच टॉप पांच वस्तुएं राजस्थान से सर्वाधिक निर्यात होती है। एक नंबर इंजीनियरिंग या अभियांत्रिकी वस्तुएं, दूसरे नंबर रत्न व आभूषण, तीसरे नंबर कपड़ा सर्वाधिक निर्यात होते हैं, और चौथे नंबर धातुएं निर्यात होती हैं, और पांच नंबर हस्तशिल्प संबंधी वस्तुएं राजस्थान से निर्यात होती है। और ये पांचों मिलकर राजस्थान में निर्यात होने वाली वस्तु में 65% हिस्सा रखते हैं, अर्थात 50% से भी अधिक रखते हैं, यानी कि 65% ये पांचों वस्तु हिस्सा रखती है। तो आने वाले एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें कि सर्वाधिक कौन सी होती है, दूसरे नंबर कौन सी होती है, तीसरे नंबर कौन सी होती है। सुमेलित कीजिए, अशोक लीलैंड कंपनी अलवर के अंदर स्थापित है, नेशनल बॉल बीरिंग जयपुर में स्थापित है, सेमकोर ग्लास लिमिटेड कोटा में है, और हिंदुस्तान रेडियर्स जोधपुर के अंदर है। तो इसका राइट आंसर होगा चार नंबर का। इसका राइट आंसर होगा चार नंबर का। अगला क्वेश्चन, अशोक लीलैंड फैक्ट्री राजस्थान में कहां स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा कहां पर है, अलवर में। इसका राइट आंसर होगा चार नंबर का। अगला सुमेलित कीजिए, एक तरफ उद्योग दिए हुए, एक तरफ उनसे संबंधित स्थान दिए हुए, हमें इनको सुमेलित करना है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड जो अजमेर में है, और इसकी स्थापना 1967 ईस्वी के अंदर अजमेर में की गई। सफेद सीमेंट का कारखाना गोटन नागौर में है, और राजस्थान का पहला सफेद सीमेंट का कारखाना जेके व्हाइट सीमेंट का कारखाना जो 1984 ईस्वी के अंदर गोटन नागौर में स्थापित किया, और उर्वरक जो गड़ेपान कोटा के अंदर कहां पर है, कोटा में, और विद्युत मीटर कहां पर है, जयपुर में। तो इसका राइट आंसर होगा चार नंबर का। इसका राइट आंसर होगा चार नंबर का, जो कि सही सुमेलित है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से राजस्थान के किस जिला औद्योगिक केंद्रों में 31 मार्च 2017 को सर्वाधिक बड़े पैमाने के उद्योग कार्यरत थे? तो इसका राइट आंसर होगा भिवाड़ी अलवर में। यहां पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा अधिकांश औद्योगिक इकाई स्थापित की गई है। भिवाड़ी को नवीनतम मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है, यानी कि राजस्थान का नवीनतम मैनचेस्टर भिवाड़ी अलवर को कहा जाता है, और भिवाड़ी अलवर में नोटों की साई बनाने का कारखाना भी स्थापित है। और कहा जाता है कि भविष्य में आने वाले समय में भिवाड़ी को उत्तर भारत का सबसे बड़ा पावर स्टेशन बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में नोटों की स्याही बनाने वाला कारखाना स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा भिवाड़ी में। भिवाड़ी पहले अलवर जिले के अंतर्गत आता था, लेकिन वर्तमान में ये जब नवीनतम जिले बने तो ये खेरतल तिजारा इन जिले के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन, भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र किस जिले में है? तो आपका राइट आंसर होगा अलवर में। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस उद्योग में सोडियम सल्फाइड का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है?
तो इसका राइट आंसर होगा चमड़ा उद्योग, इसका राइट आंसर होगा चमड़ा उद्योग के रूप में। अगला क्वेश्चन, कौन सा सुमेलित नहीं है? वस्त्र भीलवाड़ा में, बिल्कुल वस्त्र नगरी कहा जाता है, राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी कहा जाता है, एक नंबर सही है। उर्वरक मोडक कोटा के अंदर है, जो कि गलत है, क्योंकि मोडक कोटा के अंदर मंगलम सीमेंट का कारखाना है, न कि उर्वरक का कारखाना, और उर्वरक का कारखाना गड़ेपाल कोटा के अंदर है। सीमेंट निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में, बिल्कुल सही है, और सोडियम सल्फेट डीडवाना के अंदर है, बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर होगा दो नंबर का, जो कि सही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन, राजस्थान में प्रथम सीमेंट प्लांट लाखेरी में स्थापित किया गया, बिल्कुल सही है। सोजत में टायर फैक्ट्री स्थित है, जो कि गलत है। टायर फैक्ट्री काकरौली राजसमंद में है। बीकानेर में स्टेट वूलन मिल स्थित है, बिल्कुल सही है। राजस्थान में कोटा सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है, जो कि गलत है, क्योंकि राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र भीलवाड़ा, कहां पर है? भीलवाड़ा। इसका मतलब कथन एक सही और कथन तीन सही, इसका राइट आंसर होगा तीन नंबर का। अगला क्वेश्चन, मारवाड़ राज्य में किन स्थानों पर नमक तैयार किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा डीडवाना नागौर के अंदर, पचपदराग में, फलोदी में और लूणी में, इसका राइट आंसर होगा दो नंबर का। अगला क्वेश्चन, किस स्थान से उत्पादित नमक कोसिया के नाम से जाना जाता है? तो पचपदरा बालोतरा के अंदर नमक उत्पादन होता है, उसे कोसिया कहा जाता है, उसे कोसिया कहा जाता है। पचपदरा झील में खारवाल जाति के लोग परंपरागत तरीके से मोरली झाड़ी से नमक बनाने का काम करते हैं। अगला क्वेश्चन, कोसिया क्या था? पचपदरा का नमक, तो इसका राइट आंसर होगा पचपदरा का नमक, जिसे कोसिया कहा जाता है, इसका राइट आंसर होगा एक नंबर। अगला क्वेश्चन, खारा औद्योगिक क्षेत्र किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा खारा औद्योगिक क्षेत्र बीकानेर में। राजसिको राजस्थान में आयातकों व निर्यातकों को सूखे बंदरगाह के माध्यम से निर्यात इंफ्रास्ट्रक्चर सेवाएं प्रदान करता है, और यह सूखे बंदरगाह स्थित है। तो राजसिको के द्वारा आयात निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में सूखे बंदरगाह का विकास किया गया है, और ये राजसिको के द्वारा मानसरोवर जयपुर में औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया। इसके अलावा बासनी जोधपुर के अंदर, इसके अलावा भिवाड़ी अलवर में और भीलवाड़ा के अंदर, इन जिलों के अंदर राजसिको के द्वारा सूखे बंदरगाह स्थापित किए। और इसके अलावा वर्तमान में निर्माणाधीन है एक बीकानेर के अंदर, एक पचपदरा बालोतरा के अंदर और एक करौली के अंदर, वर्तमान में ये प्रस्तावित है। लेकिन जयपुर जोधपुर भीलवाड़ा भिवाड़ी, ये चार तो वर्तमान में चल रहे हैं, इसके अलावा बीकानेर पचपदरा और करौली केंद्र भी प्रस्तावित हैं, और ये राजसिको द्वारा ये सूखे बंदरगाह संचालित किए जाते हैं, ताकि आयातकों और निर्यातकों को सुविधा उपलब्ध हो सके। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में जेट्रोफा आधारित बायोडीजल प्लांट अवस्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा झामर कोटरा उदयपुर, इसका राइट आंसर होगा एक नंबर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड अपने प्रशिक्षण केंद्रों में ग्रामीण एवं शहरी युवाओं को प्रशिक्षण देता है, यह केंद्र स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा एक नंबर का, अजमेर में, जयपुर में और सिरोही में, इसका राइट आंसर होगा एक नंबर। औद्योगिक संभावनाओं के आधार पर राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिले ए श्रेणी के अंतर्गत आते हैं?
बांसवाड़ा, नागौर, टोंक, सीकर, ये तो बी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। उदयपुर, अलवर, कोटा और भीलवाड़ा ये मुख्य रूप से ए श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। यानी कि इसके अंदर एक तो विशिष्ट ए श्रेणी है जिसके अंदर केवल और केवल जयपुर आता है, जिसमें केवल और केवल जयपुर आता है, और एक है ए श्रेणी जिसके अंतर्गत उदयपुर, अलवर, कोटा, भीलवाड़ा, इसके अलावा दौसा, जोधपुर, राजसमंद, बारा और अजमेर ये जिले आते हैं मुख्य रूप से। वापस बता रहा हूं कि ए श्रेणी के अंतर्गत अलवर, दौसा, जोधपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, बारा, कोटा, अजमेर और पाली ये जिले ए श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, और विशिष्ट ए श्रेणी के अंतर्गत केवल जयपुर जिला आता है, और इसके अलावा बी श्रेणी के अंतर्गत बांसवाड़ा, नागौर, टोंक, सीकर, इसके अलावा झुंझुनू है, भरतपुर है, करौली है, चित्तौड़गढ़ है, हनुमानगढ़ है, गंगानगर है, स्वाईमाधोपुर है, ये मुख्य रूप से बी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। और सी श्रेणी के अंतर्गत चूरू, झालावाड़, बूंदी, सिरोही, डूंगरपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, धौलपुर ये मुख्य रूप से बी श्रेणी के अंतर्गत सी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो आपको ए श्रेणी और बी श्रेणी मुख्य रूप से याद रखना है, और विशिष्ट ए श्रेणी में केवल और केवल जयपुर आता है। अगला क्वेश्चन, रिको ने अलवर जिले के किन औद्योगिक क्षेत्रों में जापानी जोन स्थापित नहीं किया? निमराना औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित किया, गिलोट औद्योगिक क्षेत्र में जापानी जोन विकसित किया, और निमराना तथा गिलोट इन दोनों में किया, लेकिन थानागाजी औद्योगिक क्षेत्र में रिको ने जापानी जोन विकसित नहीं किया। इसका राइट आंसर होगा तीन नंबर का। राजस्थान में मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना कब प्रारंभ की गई? तो इसका राइट आंसर होगा 2021 में मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना प्रारंभ की गई थी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रम नीति 2022 के अनुसार कितने नए औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने का प्रावधान किया गया है? नवीनतम एमएसएमई नीति 2022 जो 17 सितंबर 2022 को एमएसएमई नीति लाई गई थी, जिसके तहत राजस्थान में 147 नए औद्योगिक स्थापित करने का प्रावधान किया गया था। इसका राइट आंसर होगा एक नंबर। अगला क्वेश्चन, रिको ने अपनी स्थापना से लेकर 31 मार्च 2017 तक कितने औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए? तो उस समय इसका राइट था 340, लेकिन वर्तमान तक रिको के द्वारा 390 प्लस औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना कर चुका है, और आगामी वर्षों में रिको के द्वारा 147 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे, इनकी खोले जाएंगे। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के एक जिला एक उत्पाद के संदर्भ में निम्नांकित जिला उत्पाद में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अलवर का प्याज है, बिल्कुल सही है। अजमेर का गुलाब है, बिल्कुल सही है। डूंगरपुर का आम है, बिल्कुल सही है। और जयपुर का टमाटर है, नेगी नींबू है। तो इसका राइट आंसर होगा चार नंबर। जयपुर का क्या है? टमाटर। राजस्थान सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत दूध का संबंध किस जिले से है? जयपुर से। जयपुर का तो है बलियू पोल्ट्री, बीकानेर, बीकानेर में सिरेमिक, धौलपुर, इसका राइट आंसर होगा तीन नंबर धौलपुर, जहां दूध उत्पादन या मिल्क पाउडर एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत आता है। और अलवर का है ऑटोमोबाइल पार्ट्स, तो इसका राइट आंसर होगा तीन नंबर का। एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के तहत जयपुर से निम्नलिखित में से किस उत्पाद को चिन्हित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ब्लू पोटरी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा 24 जून
1978 ईस्वी में। इसका राइट आंसर होगा एक नंबर का। अब तक राजस्थान में 7 औद्योगिक नीति आ चुकी है और नवीनतम 7वीं औद्योगिक नीति 19 दिसंबर 2019 को आई थी। मैं आपको बता दूं कि राजस्थान की पहली औद्योगिक नीति 1978 में आई थी, दूसरी औद्योगिक नीति दिसंबर 1990 में आई थी, तीसरी औद्योगिक नीति जून 1994 में आई थी और चौथी औद्योगिक नीति जून 1998 में आई थी और पांचवी औद्योगिक नीति 2010 में आई थी और छठी औद्योगिक नीति अगस्त 2015 में आई थी और सातवीं वे नवीनतम औद्योगिक नीति 19 दिसंबर 2019 को लाई गई थी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य की चौथी औद्योगिक नीति वर्ष में बनी, तो इसका राइट आंसर होगा राजस्थान की चौथी औद्योगिक नीति 4 जून 1998। इसका राइट आंसर होगा दो नंबर का। और 1994 में तीसरी औद्योगिक नीति लाई गई थी और 2019 में यानी कि 19 दिसंबर 2019 को सातवीं वे नवीनतम औद्योगिक नीति लाई गई थी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड द्वारा खादी प्लाज्मा का निर्माण कहां किया गया? पहले तो मैं बता दूं कि राजस्थान खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना अप्रैल 1955 में की गई थी। अगर पूछे कि राजस्थान में खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना कब की गई, तो आपका आंसर होगा 1955 अप्रैल 1955। और इसका राइट आंसर होगा जयपुर में स्थापना की गई, यानी कि खादी प्लाज्मा का निर्माण जयपुर में किया गया। इसका राइट आंसर होगा दो नंबर का। अगला क्वेश्चन, कौन सा उद्योग 8 प्रमुख औद्योगिक सूचकांक का संकेतन क्षेत्र नहीं है? यानी कि औद्योगिक सूचकांक जारी किया जाता है जिसमें कुल 8 सेक्टर होते हैं, जिसमें प्राकृतिक गैस होती है, बिजली होती है, उर्वरक होती है, लेकिन उसमें सूती वस्त्र या टेक्सटाइल इसके अंदर शामिल नहीं होते। तो वह 8 प्रमुख उद्योग कौन कौन से होते हैं? एक तो प्राकृतिक गैस, इसके अलावा बिजली, इसके अलावा उर्वरक, इसके अलावा कौन कौन से होते हैं? इसके अलावा इस्पात उद्योग होता है, इस्पात उद्योग, इसके अलावा कच्चा तेल, इसके अलावा रिफाइनरी उत्पाद, इसके अलावा कोयला और सीमेंट। ये मुख्य रूप से 8 सेक्टर होते हैं, उसके बाद में औद्योगिक सूचकांक जारी किया जाता है इन 8 सेक्टरों के अंदर से, लेकिन इसमें सूती वस्त्र या टेक्सटाइल इसके अंदर शामिल नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा औद्योगिक पार्क स्थान सही सुमेलित नहीं है? चमड़ा पार्क अचरोल, जो कि गलत है, क्योंकि चमड़ा औद्योगिक स्थापना कहां की गई है? जयपुर के मानपुर माचेड़ी जयपुर के अंदर चमड़ा पार्क विकसित है, तो इसका राइट आंसर होगा एक नंबर। जापानी पार्क निमराना अलवर के अंदर है, इसके अलावा स्टोन पार्क धौलपुर में, होजरी पार्क चौपकी के अंदर है। अगला क्वेश्चन, सिरेमिक इलेक्ट्रिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर कहां स्थित है? बीकानेर, चूरू, जोधपुर या जयपुर? तो इसका राइट आंसर होगा ये बीकानेर में इसकी स्थापना की हुई है। इसका राइट आंसर होगा एक नंबर का। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में हैवलेस इंडिया की फैक्ट्री स्थित है? अलवर में, अजमेर में, कोटा में या जयपुर में? तो इसका राइट आंसर होगा अलवर में है। हैवलेस इंडिया की फैक्ट्री कहां पर है? अलवर में। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहां स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा जोधपुर में। अगला क्वेश्चन, राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल कहां स्थापित की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा भीलवाड़ा में। अगला क्वेश्चन, लोको तथा केरीज वर्कशॉप अवस्थित है भरतपुर में, अलवर में, कोटा में या अजमेर में? तो इसका राइट आंसर होगा अजमेर में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा औद्योगिक क्षेत्र जोधपुर में स्थित नहीं है? पाल शिल्प ग्राम जोधपुर में, बोरानाडा सेकंड जोधपुर में, नापासर जोधपुर में नहीं है, कहां पर है? बीकानेर में। और मंडोर कहां पर है? जोधपुर में।
तो इसका राइट आंसर होगा नापासर, जो कि बीकानेर में न कि जोधपुर में। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में पार्ले बिस्किट फैक्ट्री कहां स्थित है? तो राजस्थान में पार्ले बिस्किट फैक्ट्री कहां पर है? निमराना अलवर में। इसका राइट आंसर होगा तीन नंबर का। अगला क्वेश्चन, दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट के प्रथम चरण में विकसित किया जा रहा है खुसखेड़ा, भिवाड़ी और निमराना। इसका राइट आंसर होगा एक नंबर का। दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर के प्रदेश में पांच चरणों के तहत इसका निर्माण किया जाएगा। प्रथम चरण के तहत खुसखेड़ा, भिवाड़ी और निमराना शामिल है। सेकंड चरण के तहत जोधपुर पाली और मारवाड़ शामिल है। तीसरे चरण के तहत अजमेर और किशनगढ़ शामिल है। और चौथे चरण के तहत राजसमंद, भीलवाड़ा शामिल है। और पांचवें चरण के तहत जयपुर और दौसा शामिल है। लेकिन 12 अक्टूबर 2020 को विशेष निवेश क्षेत्र के रूप में जोधपुर, पाली और मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र घोषणा कर दी गई थी। 12 अक्टूबर 2020 को विशेष निवेश क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया था जोधपुर, पाली और मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र को। इनकी सेकेंड चरण, जो जोधपुर, पाली और मारवाड़ जिसका सेकेंड चरण के तहत निर्माण होना था, उसको 12 अक्टूबर 2020 को विशेष निवेश क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया। अगला क्वेश्चन, सुमेलित नहीं है, सोडियम सल्फेट डीडवाना में बिल्कुल सही है, ग्लास कांच फैक्ट्री धौलपुर में बिल्कुल सही है, उर्वरक गड़ेपान कोटा में बिल्कुल सही है, वाटर मीटर भिवाड़ी में गलत है। कहां पर है? जयपुर में। कहां पर है? जयपुर में। तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा सही, सुमेलित नहीं है। तो चार नंबर का, वाटर मीटर कहां पर है? पानी में। निम्न को सुमेलित कीजिए, स्टोन पार्क धौलपुर और करौली में है, बायो टेक्नोलॉजी पार्क सीतापुरा जयपुर में है, सूचना तकनीकी पार्क जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर में है, जापानी पार्क निमराना अलवर में है। तो इसका राइट आंसर होगा एक नंबर का, जो कि सही सुमेलित है। अगला क्वेश्चन, उद्योग केंद्र को सुमेलित करें, वस्त्र उद्योग विजयनगर भीलवाड़ा में है, सीमेंट उद्योग मोडक जहां मंगलम सीमेंट का कारखाना है, रसायन गड़ेपान कोटा में है और इंजीनियरिंग वस्तु भरतपुर में है। इसका राइट आंसर होगा एक नंबर का। सुमेलित कीजिए, चीनी उद्योग भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ 1932 निजी क्षेत्र के रूप में राजस्थान की पहली चीनी उद्योग केंद्र स्थापित किया, सीमेंट उद्योग मोडक कोटा केंद्र जहां मंगलम सीमेंट का कारखाना है, उर्वरक उद्योग गड़ेपान कोटा केंद्र है और टायर एंड ट्यूब उद्योग काकरोली राजसमंद में। इसका राइट आंसर होगा दो नंबर का। अगला क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स डीडवाना में, हाईटेक ग्लास फैक्ट्री धौलपुर में, मेवाड़ सुगर मिल भोपाल सागर में और जेके सीमेंट निम्बाड़ा में। इसका राइट आंसर होगा एक का एक, दो का दो, तीन का तीन, चार का चार। इसका राइट आंसर होगा तीन नंबर का। अगला क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए, ऊन मंडी कहां पर है? बीकानेर के अंदर है। संगमरमर मंडी कहां पर है? किशनगढ़ अजमेर में। राजस्थान का कानपुर कोटा को कहा जाता है और गारमेंट सिटी कहां पर है? भीलवाड़ा में। इसका राइट आंसर होगा एक नंबर का। अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए, उदयपुर में सीसा जस्ता उद्योग है, नागौर में सफेद सीमेंट उद्योग है, भीलवाड़ा में वस्त्र उद्योग है, कोटा में रसायन उद्योग है। इसका राइट आंसर होगा चार नंबर, जो कि सही सुमेलित है। आज के लिए इतना ही। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो अपने अन्य दोस्तों के साथ में शेयर करना, लाइक जरूर करना। इसी आशा और उम्मीद के साथ फिर कल मिलते हैं। आप सबका धन्यवाद।